इससे पहले कि कोई ये बोले कि यार ये वीडियो तो मैंने कहीं इंग्लिश में भी देखी हुई है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है, 110% क्रेडिट जाता है MKBHD और मिस्टर हूज़ द बॉस। मैंने उनकी वीडियो देखी और वहाँ पर वो बता रहे थे कि कैसे स्मार्टफोन कंपनीज हमें लाइक मैनिपुलेट करती हैं। एक दो चीज़ें तो मुझे पहले से पता थी, बट लेकिन जो एक ड्यूअल एम्बार्गो वाला सीन था वो मुझे नहीं पता था। चलो देखते हैं ये सब है क्या और कंपनी हमें किस किस तरीके से मैनिपुलेट करती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बायोटेक। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कंपनी हमें कैसे मैनिपुलेट करी, क्या वो ट्रिक्स अपनाती हैं हमें मैनिपुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले और सबसे जो बड़ा तरीका आता है वो है गिव अवेज का। अब यहाँ पर होता क्या है, सपोज करो मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा बाद में, तो हूँ, और अब मेरे पास मेल आता है कंपनी की तरफ से, ओके कि हम आपको एक अपनी रिव्यू यूनिट भेजेंगे, आप इसके बारे में बताओ और हम आपको इतने यूनिट और भेजेंगे ताकि आप गिव अवे कर सको। अब पॉइंट की बात ये आती है, अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मेरे पास 30 यूनिट हैं जो मैं गिव अवे करने वाला हूँ और इस यूनिट का मैं रिव्यू बता रहा हूँ, एक यूनिट है जो मेरे पास जिसका मैं रिव्यू बता रहा हूँ, अगर मैं उसके बारे में बताता हूँ नेगेटिव बातें बहुत सारी, सपोज करो मुझे वो प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और मैं उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें बताता हूँ, अब यहाँ पर क्या सीन होगा। और मैं कह रहा हूँ कि हाँ अब आप, मैं यहाँ पर 30 गिव अवे करूंगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो एक तरीके से मैं ही बेवकूफ लूंगा यार, तेरे को खुद को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा और तू गिव अवे भी कर रहा है प्रोडक्ट, तो ये चीज़ होगी। हाँ, यहाँ पर यूट्यूबर के पास एक ऑप्शन और होता है कि वो सीधे सीधे मना कर दे ब्रांड्स के साथ, बट लेकिन अल्टीमेटली बंदा यहाँ पर बैठा है पैसे कमाने के लिए और घर चलाने के लिए, तो करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें। तो मुझे बाद में ये चीज़ भी समझ में आई, अच्छा इसलिए जो बाकी यूट्यूबर हैं वो भी कभी कुछ कमियाँ नहीं बताते जब बात होती है गिव अवे की, जब वो कर रहे होते हैं 20 गिव अवे 30 40 50, तो एक पीछे रीज़न ये हो गया। दूसरा जो मुझे एक बहुत सही रीज़न लगा था यहाँ पर, वो ये था कि कभी कभी क्या होता है, आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हमने और मान लो बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट था और उसमें बताया कि ये फीचर आएगा, अब उस फीचर के बारे में 10-15 मिनट बताने के बाद, उसके उस फीचर के बारे में पूरी हाइप बनाने के बाद लास्ट में मैं ये बोलता हूँ ये एक अपकमिंग फीचर है जो आपको एक अपडेट के साथ देखने को मिलेगा, अब उस अपडेट की कोई श्योरिटी नहीं है वो अपडेट आपको कब देखने को मिलेगा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद 1 महीने बाद 2 महीने बाद। यानी जिस फीचर के नाम पे आप पैसे मेरे से आज ले रहे हो, वो प्रोडक्ट मुझे और या फिर वो फीचर मुझे देखने को मिलता है आज से 1 महीने बाद। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है जहाँ पर कोई भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वो हमें बहुत बड़े लेवल पर मैनिपुलेट करता है और हम कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते। आखिरी और लास्ट बात जो थी ड्यूअल एम्बार्गो। अब ये ड्यूअल एम्बार्गो क्या है, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, मुझे एक सिंगल एम्बार्गो के बारे में पता था, ड्यूअल एम्बार्गो वाला मुझे एक नई चीज़ पता चली। एम्बार्गो मतलब कि हाँ मेरा एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कंपनी ने एक टाइम डिसाइड कर रखा है, इस टाइम पे सारे लोग अपने रिव्यू डालेंगे, यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। ड्यूअल एम्बार्गो क्या सीन है कि कंपनी ने ऐसा सेटअप कर रखा है कि दो बार आप इस फोन के रिव्यू कर सकते हो, पहला आज कर दो जब फोन लॉन्च हुआ, दूसरा एक हफ्ते बाद, ये जब भी उन्होंने टाइमिंग फिक्स करी हुई है। और वो वहाँ पर ये भी फिक्स करके रखते हैं कि आपको पहली बारी में आप सिर्फ यही बात बता सकते हो और दूसरी बारी में सिर्फ यही बात बता सकते हो। वहाँ पर MKBHD ने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया था, जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस आया था तो वहाँ पर उनके पहले एम्बार्गो में सिर्फ ये था कि आप सिर्फ उसके हार्डवेयर के बारे में बता सकते हो। अब आप सोचो, एक मेरे पास एक टैबलेट है, मैं सिर्फ उसके हार्डवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहा, जो कि मेरे ख्याल से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब मैं बात करता हूँ किसी भी मोबाइल फोन। ऑब्वियसली बात है, हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है बट सॉफ्टवेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर भी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये चीज़ें हो गई। फिर और जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव, जैसे ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है, अब वहाँ पर जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरीके से उसे पूरी तरीके से प्लॉट किया गया है इंटरव्यू को, उसमें सिर्फ वो ज़्यादातर वही चीज़ें करते हैं जहाँ पर वो सिर्फ अच्छी बातें बता पाएँ, जहाँ पर वो अपनी हिस्ट्री बता पाएँ कि हम ये चीज़ क्यों लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी इस तरीके से पूरी एक तरीके से आपको सराउंड किया गया है अपनी मैनिपुलेशन के थ्रू, इतनी अच्छी मार्केटिंग प्रैक्टिस की टैक्टिक्स यूज़ करी जाती है कि आप लोगों को ऐसा फील भी ना हो कि हाँ ये एक पेड प्रमोशन हो रहा है या ये चीज़ चल रही है। ऑन द अदर हैंड, आप मजबूर हो कि आप सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही बताओ, दूसरा जो सुनने वाला है ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव ही सुनेगा और हमें ऐसा लगेगा हाँ यार ये सारी चीज़ सही है और ये चीज़ भी इतनी तगड़ी है। ये चीज़ हमें देखने को मिली थी नथिंग के साथ। नथिंग का अगर आप याद करोगे तो मार्केटिंग आपको पता है कितनी बड़ी लेवल पर हो रही थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर जुड़े थे। और फिर उसके बाद जब आपने देखा कि अनबॉक्स थेरेपी और इतने बड़े बड़े चैनलों पे 100 बॉक्स यानी 100 यूनिट की गिव अवे करी जा रही है और सिर्फ अच्छी बातें बताई जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है हर बंदे को लगेगा हाँ ये बहुत तगड़ा है और अभी भी वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, उसका ये हिसाब चल रहा है,
कि वो इतने सही तगड़े लेवल पे बिक रहा है और उनका ये पहला प्रोडक्ट है, इससे उन्होंने सिर्फ अभी शुरुआत करी है। तो इस तरीके से हमें जो भी ब्रांड्स हैं और जो भी कंपनी है वो हमें क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपने वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकें।